हेलो दोस्तों जी, ये पता ही चल गया होगा मैं क्या बनाने जा रही हूँ। दोस्तों, ये उबले हुए आलू हैं और इन आलू को मैं एक बर्तन में डाल लूँगी। बर्तन में डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 2-3 कलियाँ लहसुन की। और ये देखो, हम जब जिम करते हैं ना, तो ज़्यादातर लोगों जिसने वेट बढ़ाना होता है तो वो दही में ये आलू उबले हुए डाल के बताते हैं कि वो खाओ, ठीक है। लेकिन मैं इसको रायता बना के तैयार करूँगी और इसको मैं अच्छे से क्रश कर लूँगी और बिल्कुल बारीक करेंगे, मतलब एकदम पेस्ट की तरह जो हो जाएगा वैसा ही इस आलू को हम कूट कूट के एकदम बारीक पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए जी, ज़्यादातर तो ये बन गया है और लहसुन भी इसमें क्रश हो गया बहुत अच्छे से। इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची, आप चाहे तो हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हो। और इसके बाद डाल देंगे नमक, नमक डाल लेंगे स्वाद के अनुसार। उसके बाद इसको करेंगे अच्छे मिक्स, ऐसे घोट देंगे। ये देखिए, क्योंकि गांव में तो ना सिलबट्टे पीस के बनाते हैं, बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब ये बना रही हूँ ना तो मेरे मुंह में अभी भी स्वाद आ रहा है कि गांव में हम किस प्रकार ये रायता खाते थे, ठीक है। तो अब जब शादी शहर में हो गई तो फिर क्या करें, यहाँ पर ज़्यादातर वो चीज़ें बनती नहीं हैं जो गाँव में बनती हैं। तो मैंने भी बनाने की ट्राई किया है। देखिए, आलू में मैंने डाल दिया हम लस्सी, लस्सी मैंने बनाई हुई, क्योंकि मैं दही नहीं डालूंगी इसमें, मैं लस्सी डालूंगी क्योंकि मेरे को एकदम ज़्यादा गाढ़ा नहीं, मतलब एकदम अच्छा सा रायता चाहिए। और इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए, मिक्स हो चुका है बिल्कुल बारीक, जो आलू किए थे मैंने उसमें और रायते मतलब लस्सी में मिक्स हो गया है बहुत अच्छा। ये एक अच्छा सा गाढ़ा सा रायता बन के तैयार हो गया। इसमें जीरा भून के डाल दीजिए और उसके बाद ये बन के रेडी हो जाता है। और इसको जब आप पराठे के साथ, रोटी के साथ रायते को और चावल के साथ खाओगे ना, तो आपको मज़ा आ जाएगा। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों जी, क्योंकि मेरी डिश तो हो गई है पूरी। अब आपका, आपने करना है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, पास से भी दिखा देती हूँ और कमेंट लिख के जरूर भेजना।